नमस्कार, आज का टॉपिक ये है। आज इस विषय पर चर्चा होगा कि पॉलिटेक्निक का सबसे बेस्ट ब्रांच कौन सा है। चाहे आप कहीं भी किसी भी स्टेट में पॉलिटेक्निक की पढ़ाई कर रहे हों, करना चाहते हों, तो आपके लिए सबसे बेस्ट ब्रांच कौन सा हो सकता है। और प्राइवेट और गवर्नमेंट जॉब को लेकर भी हम इसी वीडियो में बात करेंगे कि कौन से ब्रांच से पढ़ाई आप करेंगे तो उससे लेकर प्राइवेट जॉब का स्कोप कितना रहेगा, गवर्नमेंट जॉब का कितना स्कोप रहेगा। सारे विषयों की चर्चा हम इसी वीडियो में कर लेंगे, तो आप लास्ट तक बने रहिए। हम भी पॉलिटेक्निक की पढ़ाई किए हैं और आज अच्छी खासी जॉब कर रहा हूँ, तो आपको बताना बहुत ज़रूरी है कि कौन सा बेस्ट ब्रांच होता है। लेकिन मैं ये भी बताऊँगा कि ब्रांच चूज करने से पहले आप दूसरों का देख ही देखा मत करिएगा कि हमारे दोस्त या हमारे रिश्तेदारी में लोग यह ब्रांच का चयन किए हैं तो हम भी किए, हमारे लिए भी ये सही है, मैं वो ले लूँ, ऐसा मत करिएगा। पहले हम बात करेंगे ब्रांचों की। चलिए ब्रांचों की बात कर लेते हैं कि पॉलिटेक्निक में अधिकतर कौन कौन से ब्रांच होते हैं। देखिए, मैकेनिकल होता है, मैकेनिकल में कई चीज़ें होती है। मैकेनिकल में आप मान लीजिए कोई ऑटोमोबाइल होता है, प्रोडक्शन होता है, कैड होता है, रिपेयर एंड मेंटेनेंस होता है, जितने भी होते हैं सबको हम मैकेनिकल में ही ले रहे हैं। मैकेनिकल का ही ये सारे ब्रांचेज जाते हैं मैकेनिकल में। तो मैकेनिकल होता है, फिर सिविल होता है, सिविल ब्रांचेज, इलेक्ट्रिकल होता है, CS होता है यानी कंप्यूटर साइंस होता है, फिर आपका इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच होता है, इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच होता है, फिर पेंटिंग ब्रांच होता है, फिर आपका केमिकल ब्रांच होता है। ये तमाम ब्रांच होते हैं जिससे आप पढ़ाई करते हैं। आर्किटेक्चर एक ब्रांच होता है। तो ये सारे ब्रांच होते हैं जो पॉलिटेक्निक में आप पढ़ाई करते हैं। इसमें सबसे बेहतर ब्रांच कौन हो सकता है? देखिए, हम सरकारी नौकरी की बात कर रहे हैं, उसके दृष्टिकोण से बता रहे हैं। सरकारी नौकरी के दृष्टिकोण से जो इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, सिविल, ठीक है, अब चौथा भी आ गया है इसमें, इंक्लूडेड हो गया है CS, ठीक है, यानी तीन जो हैं, मैकेनिकल है आपका, इलेक्ट्रिकल है और सिविल, इन तीन ब्रांचों से जो होते पढ़े होते बच्चे, इन ब्रांचों से सरकारी नौकरियां ज़्यादा निकलती है। वही हम बात कर रहे हैं प्राइवेट में, तो प्राइवेट में तो सभी हो जाते हैं, चाहे आप इलेक्ट्रिकल से हों, इलेक्ट्रॉनिक से हों, मैकेनिकल से हों, सिविल से हों, सारे चीज़ों की कहीं ना कहीं हो जाती है। सिविल का भी प्राइवेट क्षेत्र में बहुत काम होता है, उसका अलग विषय पर मैं चर्चा करूँगा अलग वीडियो में। तो दोस्तों, मैकेनिकल का आपका स्कोप उसमें भी रहता है, सरकारी जॉब को लेकर भी। अब प्राइवेट जॉब में भी बहुत ज़्यादा इसका स्कोप है मैकेनिकल का। अभी तो है, आने वाले 10 सालों में थोड़ा कम हो सकता है, क्योंकि आने वाले चीज़ें आधुनिकीकरण का युग हो रहा है, AI बेस पे कार्य हो रहा है, कहीं ना कहीं CNC जैसे मशीनें AI पे आधारित हो रही है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, तो कहीं ना कहीं ऑटोमेशन का जो वो चीज़ें आ रही है, तो कहीं ना कहीं कंपनियों को मैन पावर कम की आवश्यकता है। यानी कहने का मतलब, अगर मान लीजिए कोई भी मशीन, 10 मशीनें हैं, उस 10 मशीनें चलाने के लिए 10 मैन पावर की आवश्यकता होती है, तो उन 10 मैन पावर की जगह जब ऑटोमेशन का कार्य आधारित हो जाएगा AI बेस्ड सिस्टम पर, तो एक व्यक्ति ही, एक मैन पावर ही 10-10, 50-50 मशीनों को हैंडल कर लेगा। तो उस स्थिति में होता यह है कि मैन पावर जो ब्रांचेज होती है उनसे वो चीज़ें CS वाले ले लेते हैं, यानी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी या कंप्यूटर साइंस के जो बच्चे होते हैं वे ले लेते हैं। लेकिन मैं सबसे, अगर आपको कहीं ना कहीं आपको सरकारी जॉब में जाना है तो इन तीनों में से चयन कर सकते हैं आप, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, सिविल, ठीक है। खासकर इलेक्ट्रिकल लीजिएगा अगर आपको तैयारी करना है, अगर गवर्नमेंट जॉब में जाना चाहते हैं तो। लेकिन आप चाहते हैं कि मान लीजिए गवर्नमेंट में बहुत ज़्यादा भीड़ होता है, तमाम छोटी मोटी वैकेंसियाँ निकलती हैं, उसमें बहुत ज़्यादा कहीं ना कहीं भीड़ भाड़ रहता है, वैकेंसी कम रहती है, बच्चे लोग फॉर्म ज़्यादा भर देते हैं, तो इसके दृष्टिकोण से आप वो प्राइवेट को भी देखेंगे। तो भाई, प्राइवेट करने के लिए आप किसी भी ब्रांच से कर लें, चाहे आप इलेक्ट्रिकल से कर लें, चाहे इलेक्ट्रॉनिक से कर लें, मैकेनिकल से कर लें, किसी भी ब्रांच से कर लें, पेंटिंग से कर लें, केमिकल से कर लें, किसी भी ब्रांच से कर लें, ठीक है, आप कर लेते हैं तो सही है, कोई दिक्कत नहीं है, आप किसी भी ब्रांच का चयन कर सकते हैं। लेकिन हाँ, आप ये सोचेंगे आपकी मेरे इच्छा अनुसार ब्रांच मिल जाएगा, तो ऐसा भी नहीं है। इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, सिविल और CS ब्रांच का चयन के लिए आपको पॉलिटेक्निक के एंट्रेंस एग्जाम में बहुत अधिक नंबर लाना होगा।
जब आप अधिक नंबर लाएंगे तो अच्छी रैंक बनेगी, तब अच्छा कॉलेज मिलेगा और अच्छा ब्रांच मिलेगा। तो आप समझ सकते हैं ये जो चार ब्रांच मैं बताया हूँ, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, सिविल और सीएस यानी कंप्यूटर साइंस, ये जो चारों ब्रांचेज हैं ये इतना आसानी से आपको नहीं मिलता। इसलिए बच्चे तो चाहते हैं, काउंसलिंग कराते हैं और चयन करते हैं, लेकिन मिलता नहीं है उनको। तब वो ना एडेड मिलता है ना गवर्नमेंट कॉलेज मिलता है, तो वो प्राइवेट की तरफ भागते हैं, फिर ज़्यादा पैसा देते हैं और वही पढ़ाई जो बहुत कम पैसों में हो सकती थी वो चीज़ें, वो बहुत ज़्यादा पैसा 30-30 हज़ार 40-40 हज़ार दे के वो बच्चे पढ़ाई करते हैं प्राइवेट में। पॉलिटेक्निक की पढ़ाई आप प्राइवेट से कर लें, एडेड पॉलिटेक्निक से कर लें या गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक से कर लें, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ना ही आप सरकारी में कोई इफेक्ट पड़ता है। जब आप जॉब के लिए अप्लाई फॉर्म करेंगे तो उसमें कोई दिक्कत नहीं होता, ना ही प्राइवेट कंपनी में जॉब करने आएंगे तो ये कोई दिक्कत है कि आप प्राइवेट से किए हैं, गवर्नमेंट से किए हैं, एडेड पॉलिटेक्निक से किए हैं, कोई इसका मतलब नहीं होता। किसी भी कॉलेज से आप पॉलिटेक्निक की पढ़ाई कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं। मन चाह ब्रांच के लिए आपको अच्छे रैंक लाने होंगे, अच्छे रैंक तभी आते हैं जब पॉलिटेक्निक, जब एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है तो उसमें आपको बढ़िया नंबर लाना होता है। बाकी जितने भी ब्रांच मैं बताया हूँ, जो भी ब्रांच आप लेना चाहते हैं पॉलिटेक्निक में, डिप्लोमा में, उसके लिए आपको अपनी भी इच्छा होनी चाहिए। कहने का मतलब ये है कि ऐसा नहीं है कि उन्होंने ये ब्रांच बताया या मेरे रिश्तेदार में या मेरे दोस्त ये ब्रांच लिए हैं तो मैं भी जाकर उसमें वही ले लूँ, नहीं, ये सही नहीं है। मेरे दृष्टिकोण से आपको जो इंटरेस्ट हो, जिसमें इंटरेस्ट हो, अगर आप सोचते हैं कि मैकेनिकल इंजीनियर बनना, तो हम निश्चित रूप से मैकेनिकल ब्रांच लेंगे। अगर आपको गाड़ी वगैरह बहुत ज़्यादा पसंद है, ऑटोमोबाइल सेक्टर में जाना चाहते हैं, तो मैकेनिकल एक बेस्ट ब्रांच हो सकता है आपके लिए। अगर आप सिविल इंजीनियर बनना चाहते हैं तो आप सिविल ले सकते हैं। आप इलेक्ट्रिकल इंजीनियर बनना चाहते हैं, इलेक्ट्रिक से संबंधित चीज़ें, तो आप इलेक्ट्रिकल चीज़ें लेंगे। अगर आप कंप्यूटर साइंस या कंप्यूटर सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनना चाहते हैं तो कंप्यूटर साइंस आप जरूर लीजिएगा, ठीक है। वहीं केमिकल इंजीनियर बनना चाहते हैं, केमिस्ट्री आपकी बहुत अच्छी है तो आप केमिकल से ले सकते हैं, ठीक है। बात करते हैं कि अभी पूरी इन बातों की समरी को देखा जाए तो इस समय सबसे आरामदायक काम किस क्षेत्र में है, अगर प्राइवेट में भी देखें तो। हम दोस्तों देखिए, सबसे अगर इन पूरे ब्रांचों की बात करें ना, जब भी आप इन चीज़ों को पढ़ाई कर लेते हैं चाहे जिस भी ब्रांच से, तो सबसे ज़्यादा जो आरामदायक काम होता है वो कंप्यूटर साइंस वाले बच्चों को मिलता है। कंप्यूटर साइंस वाले जो बच्चे होते हैं उनको एसी वाले रूम में एक सिस्टम के पास बैठना होता है, सिस्टम पर काम करना होता है। कहने का मतलब कंप्यूटर पर आपको काम करना होता है एसी वाले रूम में, तो आपका जो काम होता है एक ऑफिशियली काम हो जाता है, एक ऑफिशियली वर्क हो जाता है, प्राइवेट में भी और सरकारी में भी, मैं साफ साफ तौर पे आपको कह देना चाहता हूँ। तो कंप्यूटर साइंस वाले बच्चे प्राइवेट में भी आते हैं तो उनको एक तरीके का रूम मिलता है, उसे टेक्निकल रूम कह सकते हैं आप। जिस अलग अलग डिपार्टमेंट होते हैं उसमें भी हर जगह कहीं ना कहीं कंप्यूटर वाले बच्चे बैठते हैं कंप्यूटर साइंस के सिस्टम को हैंडल करने के लिए, तो उनके लिए प्रॉपर एसी रहता है, आराम से सीटें बैठते हैं, 7-8 घंटा सीट, प्रॉपर सीट रहता है और आराम से वो कंप्यूटर पे अपना जो भी वर्क दिया जाता है कंपनी के संबंधित तो वो कार्य करते हैं, तो ये बहुत आरामदायक हो जाता है, ठीक है। अब बाकी अन्य ब्रांचों की हम बात करें, चाहे इलेक्ट्रिकल हो, मैकेनिकल हो, इलेक्ट्रॉनिक हो, ये कंपनी में जब आते हैं प्राइवेट में तो शुरू के 1 साल या शुरू के 2 साल, ठीक है, खड़े होकर काम करते हैं। कोई क्वालिटी में गया, कोई प्रोडक्शन में गया, कोई मशीनी में गया, कोई कास्टिंग में गया, कोई अन्य अन्य जितने भी डिपार्टमेंट होते हैं पढ़ाई करने के बाद ब्रांचेज की, अन्य कंपनियों में जाएंगे तो अलग अलग डिपार्टमेंट में काम करना होता है। जिस भी डिपार्टमेंट में जाएंगे, इन सीएस को छोड़ के जो जाते हैं, ठीक है, वे लोग खड़े होकर काम करेंगे, ठीक है। 1 साल जब तक की ट्रेनिंग होती है उनकी, 1 साल हो 2 साल हो, वो कंप्लीट करते हैं, वे लोग खड़े होकर काम करते हैं, आदत बन जाती है, ऐसा नहीं कि बहुत कठिन होता है, तो वे लोग खड़े होकर काम करते हैं। ट्रेनिंग पूरा होने के बाद वे लोग कोई सुपरवाइज़र बनता है, सुपरवाइज़र या लाइन लीडर बनता है। सुपरवाइजर लाइन लीडर वे होते हैं जो काम कराते हैं, दूसरों से काम कराते हैं, आपके अंडर में 20-25-30-50 मैन पावर, 60 मैन पावर काम करते हैं, इसे लाइन लीडर कहते हैं। लाइन को लीड करना, जो लाइन को लीड करे, मैन पावर को हैंडल करे, जो लाइन लीडर होता है, जिसे सुपरवाइज़र हम कह सकते हैं।
और वही लोग जेई बनते हैं, ठीक है, 2 साल बाद 1 साल बाद बन जाते हैं, जिनके अंदर जितनी काबिलियत है, जितने टैलेंट हैं, उसके बाद वो लोग जेई बनते हैं, जूनियर इंजीनियर बनते हैं, फिर इंजीनियर बनते हैं। और जब इंजीनियर बन जाते हैं तो आप शिफ्टों के लीडर भी कहलाते हैं, यानी शिफ्ट लीडर आप कह सकते हैं। यानी कहने का मतलब एक शिफ्ट, मान लीजिए आप किसी भी डिपार्टमेंट गए, मान लीजिए आपका क्वालिटी कंट्रोल एक डिपार्टमेंट होता है, उसमें आप गए तो उसमें मान लीजिए 60 से 70 मैन पावर, 100 मैन पावर है, ठीक है, 100, 120, 130 कंपनी के हिसाब से होता है। तो वे मैन पावर को आपको हैंडल करना होता है कि अटेंडेंस को लेकर सारी चीज़ें, कितने मैन पावर मेरे मारे हैं, मतलब हैंडल करना, वो सारी चीज़ें एक शिफ्ट लीडर के अंदर आती है जो एक इंजीनियर होता है। तो ये सारी जानकारी रही। कंप्यूटर साइंस एक आज के दृष्टिकोण से बहुत अच्छा ब्रांच है। तो जिसको जिसको जिनकी इंग्लिश अच्छी है, जिनको कंप्यूटर में इंटरेस्ट है, चाहते और वो शुरू से कंप्यूटर में अपना मन लगाए रहे हैं, तो निश्चित रूप से उन्हें कंप्यूटर साइंस लेना चाहिए। वो उनके लिए बहुत है बढ़िया बढ़िया और बेस्ट ब्रांच है, और अच्छे से पढ़ाई करेंगे तो निश्चित रूप से सफलता मिलेगी। बाकी कोई भी अच्छा ब्रांच जो आपको मन पसंद है उसे ले लीजिएगा। पॉलिटेक्निक में एंट्रेंस एग्जाम में अच्छे नंबर लाएंगे, अच्छे ब्रांचेज मिलेंगे और फ्यूचर बहुत ज़्यादा ब्राइट होगा, इतना जान लीजिए। चाहे किसी भी ब्रांच से पढ़ें, पॉलिटेक्निक प्राइवेट में 1 से 1.5 साल 2 साल बहुत मुश्किल से 2 साल, अगर आपके अंदर काबिलियत है तो मुश्किल से 1.5 से 2 साल में ही आप बहुत अच्छी खासी पोस्ट पे चले जाएंगे और अच्छे वेतन के साथ सैलरी को उठा पाएंगे। तो ये रहा आज का वीडियो, चैनल पे नए हो सब्सक्राइब जरूर करें, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। कोई भी क्वेरी हो तो जरूर पूछ लें, तब तक के लिए धन्यवाद।